काशी विश्वनाथ परिसर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने को लेकर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इस फैसले को लेकर वो महिलाएं चर्चा में आ गईं जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी देवी अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना के लिए 18 अगस्त 2021 को बनारस की अदालत में याचिका दाखिल की थी। मां श्रृंगार गौरी का विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे वाले हिस्से में चबूतरे पर बताया जाता है और इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि वो महिलाएं कौन है और वो कैसे अपनी मांग को लेकर बनारस के कोर्ट में पहुंची। ये महिलाएं हैं लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक। इस मामले की अगुवाई राखी सिंह कर रही हैं क्योंकि कोर्ट के दस्तावेजों में इस मुकदमे को राखी सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का नाम दिया गया है। याचिकाकर्ता नंबर एक रेखा पाठक, बनारस के हनुमान पाठक की निवासी रेखा पाठक के पति का नाम अतुल पाठक है। मीडिया को दिए बयान के मुताबिक वो बनारस लाट भैरव के महंत दयाशंकर त्रिपाठी की बड़ी बेटी है और कहती है कि मंदिर उनके खून में है। उनका कहना है कि हम पांचों महिलाएं मंदिर में मिले और हमने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे मां श्रृंगार गौरी देवी के मंदिर का दरवाजा खुल जाए। याचिकाकर्ता नंबर दो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी बनारस के महमूरगंज इलाके की रहने वाली हैं। उनके पति सोहन लाल आर्य डॉक्टर हैं। सोहन लाल आर्य ने 1996 में बनारस की अदालत में ही कुछ इसी तरह का मुकदमा दाखिल किया था और उस केस के आधार पर भी एडवोकेट कमिश्नर के निरीक्षण का आदेश हुआ था, हालांकि तब कार्रवाई नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा है कि पति के इस पुराने मामले की वजह से इस विषय में उनकी दिलचस्पी जागी और वो याचिकाकर्ताओं में शामिल हो गए। याचिकाकर्ता नंबर तीन मंजू व्यास, मंजू व्यास बनारस के रामधर मोहल्ले की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम विक्रम व्यास है। काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब रहने के कारण मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करने की इच्छा उनके मन में जागी और वो याचिकाकर्ताओं में शामिल हो गई। अभी वो चौखट के दर्शन करके लौट जाती हैं। मीडिया को दिए बयान में मंजू व्यास ने बताया कि उन्होंने दर्शन की मांग को लेकर एक संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन से बात की, उसके बाद ये याचिका दायर करने पर बात बनी। उनके मुताबिक दूसरे याचिकाकर्ता से उनकी मुलाकात मंदिर के अंदर ही हुई थी। याचिकाकर्ता नंबर चार सीता साहू, सीता साहू भी बनारस के चेतगंज इलाके की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम बाल गोपाल साहू है। वो अपने आप को समाज सेविका बताती हैं। सीता साहू मां श्रृंगार गौरी की बहुत बार पूजा करने गई और उन्हें चबूतरे पर ही पूजा करना होता है। उनके बयान के मुताबिक हमारा मंदिर मस्जिद के अंदर है और हमें इसकी पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, हम क्यों सिर्फ बाहर से दर्शन करके लौट जाएं। याचिकाकर्ता नंबर पांच राखी सिंह, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी सिंह दिल्ली के हौज खास इलाके की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम इंद्रजीत सिंह है। अदालती दस्तावेजों में राखी सिंह का स्थानीय पता लखनऊ के हुसैनगंज इलाके का भी दिया गया है और इससे अंदाजा लग रहा है कि लखनऊ में भी उनका कोई ताल्लुक है। हालांकि राखी सिंह अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है। वजह यह बताई जा रही है कि उनकी अभी डिलीवरी हुई है, इसलिए वो नहीं आ रही। अन्य चारों याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो उनसे तब मिली थी जब वो दर्शन करने आई थी। कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि राखी सिंह ने अपना केस वापस ले लिया है, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील शिवम गौड़ का बयान मीडिया में आया कि वो अपना केस वापस नहीं लेंगे। एक महिला होने के नाते इन महिलाओं की मां श्रृंगार गौरी देवी की पूजा करने की इच्छा जागी और इसी इच्छा से उन्हें बनारस की अदालत तक वो खींच ले। ये महिलाएं चाहती हैं कि मां श्रृंगार गौरी का मंदिर खुल जाए और वो नियमित दर्शन के लिए जा सके। ये पांचों महिलाएं अब पक्की सहेलियां बन गई हैं और अब उनके जीवन का मकसद इतना ही रह गया है कि किसी भी तरह मां श्रृंगार गौरी देवी के दर्शन हो सके। इन महिलाओं की मांग है कि अब परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना में अब किसी भी तरह की बाधा ना आए। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स टर्न ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।